सुबह हो चुका है। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अपने ड्यूटी पे आया हुआ हूँ और आप लोग कैसे हैं जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप लोग ने पूछा था नंबर किस अकॉर्डिंग बनेगा, तो उसके बारे में जानकारी देंगे हम लोग शुरू से लेकर आखिरी तक। दोस्त आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो नंबर बनेगा सबसे पहले आपकी एज निर्भर करेगी कि आप कितने साल तक उत्तर प्रदेश को खेल में सेवा दे सकते हैं, कितने साल तक उसके लिए खेल सकते हैं। उसके बाद साथ में आपके जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पे बनेंगे कि आपके सर्टिफिकेट क्या है, नेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, कितने हैं, उस पर क्या मेडल रहा है, अगर आपके सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, गोल्ड है, उस मेडल के आधार पे आपकी भर्तियां निर्भर करेंगी। और जिसके पास जितना सर्टिफिकेट और जितना अच्छा मेडल रहेगा उसको उतना बेनिफिट देखने को मिलेगा। तीसरा चीज फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसमें आपके नंबर दिखेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स चेकिंग होंगी, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चेकिंग, उसमें आपको नंबर दिखेंगे। और उसके अलावा आपके अपना रियल गेम क्या है उसमें आपके नंबर मिलेंगे। तो यानी ये प्रक्रियाएं होंगी नंबर मिलने की। इसके साथ साथ आपके मेडिकल टेस्ट होगा। हाइट कोई माने स्पोर्ट्स कोटे में नहीं रखता है, और ये मेरा भी मानना है और सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स कोटे में हाइट कोई माने नहीं रखता है। तो आप चाहें तो अपनी तैयारी भली भांति कर सकते हैं। एक स्पोर्ट्स कोटे में 2007 के बाद 2022 में भर्ती देखने को मिली है। हम लोग का समय नहीं था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे के माध्यम से हो पाए, इसलिए हम लोग कहीं और गए और भर्तियाँ हुए। और लेकिन आप लोग को उत्तर प्रदेश में नौकरी करने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है, तो आप लोग अपनी तैयारी करिए। आपका इवेंट क्या है उसमें विशेष करके ध्यान रखिए, उसके अलावा उसके टेक्निक क्या है, टेक्निक सबसे अधिक माने रखता है। उसके अलावा आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो प्रक्रियाएँ होती हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएँ होती हैं, वार्म अप कैसे होता है, कूलिंग डाउन कैसे होती है, गेम कब होता है, इनके प्रकार क्या होते हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, या जो भी आपके कोचेज हैं वो भी बता सकते हैं। अगर आप नेशनल खिलाड़ी हैं तो 100% मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो हम लोग हैं आप लोग को पूरी जानकारी देने के लिए। अगर आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आगे पूरी जानकारी देंगे हम। और दोस्त एक ये अपनी तैयारी के ऊपर निर्भर है कि आप तैयारी कैसे करते हैं। अगर आपको सफलता पाना है तो आपको अपना सबसे पहले इवेंट में विशेष करके ध्यान देना होगा, बाकी आपके सर्टिफिकेट प्रॉपर रूप से उसमें नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद है, हमें विश्वास है कि आप लोग सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मेहनत करेंगे। दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को कि अपना अधिक से अधिक परिवार बढ़ सके। सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि ये आपका चैनल है। जय हिंद, जय भारत।